आज हम बनाने जा रहे हैं उड़द दाल और ड्राई फ्रूट्स मिक्स गोंद के लड्डू। इसे हम बिल्कुल देसी तरीके से बनाएंगे और दोस्तों ये हेल्दी होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा गुणकारी भी है। सर्दियों में शुरू होने वाले घुटनों का दर्द, कमर का दर्द और जोड़ के दर्द के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी है। इसे हम एक बार बना लेंगे और महीने भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। खासकर बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। जब भी उन्हें भूख लगे आप उन्हें निकाल कर खिला सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ हमने 1 किलो उड़द दाल ली थी जिसको हमने ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस लिया है। इसे हमें बारीक नहीं पीसना है, सिर्फ दरदरा पीसना है, हल्का सा इसके अंदर दाना रखना है। दोस्तों मैं आपके साथ 1 किलो उड़द दाल और 1 किलो गोंद के साथ पूरा मेजरमेंट बताऊंगी। आप ड्राई फ्रूट्स में कम या ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ हमने 250 ग्राम बादाम लिया है, 250 ग्राम काजू लिए हैं। आप ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। गोंद लिया है 1 किलो, जो ये मोटा वाला गोंद है इसे हम बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। और 250 ग्राम लिए हैं हमने खसखस, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ हमने 200 ग्राम मगज के बीज लिए हैं, ये ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहो तो ठीक है, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हो। और यहाँ हमने 250 ग्राम लिए हैं नारियल, इसको हमने छोटे बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। और 1 किलो गेहूँ का आटा ले लेंगे, 2 किलो हम पीसी हुई चीनी ले लेंगे। सभी चीज़ों के साथ 2 किलो चीनी का मेजरमेंट एकदम फिट बैठेगा। और 2 किलो हम घी ले लेंगे, सभी चीज़ों के साथ घी का मेजरमेंट एकदम परफेक्ट रहे। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ हमने इमाम दस्ता लिया है, इसके अंदर हम बादाम डालकर इसको हमें दरदरा कूट लेना है। आप अगर चाहो तो ग्राइंडिंग जार में भी डालकर पीस सकते हो, लेकिन हम यहाँ बिल्कुल देसी स्टाइल में बना रहे हैं तो इसको हमें दरदरा कूट लेना है, बारीक नहीं करना है। और अभी आप देख रहे हो कि हमने बादाम को तो कूट लिया है, तो इसको हम एक ये देखिए तो इसको हम निकाल लेते हैं। और अब हम काजू भी कूट लेते हैं, काजू को भी बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ दरदरा कूटना है। तो यहाँ हमने काजू को भी कूट लिया है, ये देखिए, तो चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं। और अब हम गोंद को भी कूट लेते हैं, गोंद हमने मोटा वाला लिया है तो इसको हमें थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है, जिससे कि फ्राई करने में आसानी रहेगी, अंदर से कच्चा नहीं रहेगा। तो गोंद को तो हमने कूट लिया है, अब इसको हम छान लेंगे जिससे कि इसका जो पाउडर बना है वो अलग हो जाएगा। तो गोंद का पाउडर हमने अलग से रख लिया है, इसको हमें बाद में फ्राई करना है। तो यहाँ हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई हमें बड़ी वाली लेनी है, छोटी कढ़ाई बिल्कुल नहीं लेनी है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे घी, हमने यहाँ 1 किलो का डिब्बा खोला है जिसमें हमने 1/2 किलो से थोड़ा ज़्यादा घी ले लेना है, जिससे कि गोंद फ्राई करने में आसानी रहेगी। और इसे मेल्ट होने देना है। और अभी आप देख सकते हो कि घी हमारा काफी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे गोंद। गोंद को हमें फैलाते हुए डाल देना है, जिससे कि ये काफी ज्यादा खुला खुला रहेगा, नहीं तो एक दूसरे के चिपक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसे हमें फटाफट से हिलाते रहना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सके, चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो, सेम फ्राई हो। तो गोंद हमारा फ्राई हो चुका है, तो अब हमें इसे निकाल लेना है। सेम तरीके से हम बाकी का गोंद भी फ्राई कर लेंगे।
दोस्तों आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहूँगी, ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है और उन मदर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है जो स्तनपान कराती है। और ये जो गोंद है वो अगर हलवे में खाया जाए तो दोगुना फायदा करता है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। तो यहाँ हमने गोंद को तो फ्राई कर लिया है, तो अब हम डालेंगे इसमें इसी कढ़ाई में घी। घी हम यहाँ दूसरा डिब्बा खोलेंगे और आधा किलो घी डालेंगे, क्योंकि यहाँ हमें एक किलो उड़द दाल सेकनी है तो हमें आधा किलो घी ले लेना है। आधा किलो घी इसीलिए लेंगे ताकि उड़द दाल सेकने में काफ़ी ईजी रहेगा और जल्दी सिकेगी। तो घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे उड़द दाल और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेना है और लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इसे सेक लेना है और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और अभी आप देख रहे हो दोस्तों कि उड़द दाल का कलर चेंज होने लगा है और ये हल्की लाइट भी दिखने लगी है, लेकिन इसे अभी और फ्राई करना है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे गोंद का जो पाउडर निकाला था हमने, इसके साथ ही फ्राई करना है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसे हमें फ्राई कर लेना है। और अभी आप देख रहे हो दोस्तों कि दोनों का कलर काफ़ी ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो गया है और ये पूरी तरह से सेक भी चुकी है, तो अब हमें इसे निकाल लेना है। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है, ये देखिए दोस्तों। तो चलिए अब हम फिर से इसके अंदर घी डालेंगे, क्योंकि अभी हमें आटा भी सेकना है। तो अब हम इसमें आटा ऐड कर देंगे, क्योंकि घी हमारा काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। हमें यहाँ एक किलो आटा डालना है, इसका मेजरमेंट मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, और इसे हमें अच्छे से मिक्स करते हुए सेक लेना है। और ये देखिए दोस्तों, आटे का भी कलर चेंज हो गया है, एकदम गोल्डन ब्राउन सिका है, और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे खसखस, इसे भी हमें 5 से 7 मिनट के लिए सेक लेना है, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। और अभी आप देख सकते हो दोस्तों कि गेहूं का आटा और खसखस हमारे सिक चुके हैं, तो सेकने और फ्राई करने का काम हो गया कंप्लीट। तो अब हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है, इसे हमें साइड में उतार लेना है और इसमें ऐड कर देंगे हमने जो उड़द दाल और गोंद सेक कर रखा था, इसमें हमें ऐड कर देना है। सारा काम हम इसी कढ़ाई में करेंगे। और इसी कढ़ाई में हम ऐड कर देंगे गोंद और इसे हमें हाथों से मसल लेना है। गोंद जो मोटा होता है इसे हमें थोड़ा बारीक कर लेना है, तो हाथों से पीस लेंगे। अगर आप चाहो तो ग्राइंडिंग जार में भी डालकर इसको हल्का सा ग्राइंड कर सकते हो। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे दरदरा पिसा हुआ बादाम, दरदरा पिसा हुआ काजू, और यहाँ हमने नारियल को भी इमामदस्ते में डालकर कूट लिया था। आप अगर चाहो तो ग्राइंडिंग जार में भी डालकर ग्राइंड कर सकते हो। नारियल को हम इसमें ऐड कर देंगे और इसमें मगज की बीज भी ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी, चीनी को हम छान कर लेंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा मोटा पार्ट है वो निकल जाएगा। आप अगर चाहो तो चीनी की जगह गुड़ भी ले सकते हो, लेकिन उसकी प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि गुड़ को मेल्ट भी करना पड़ता है और उसको मिक्स करने की प्रोसेस भी थोड़ी हार्ड हो जाती है।
छान कर ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको हाथों से आराम से धीरे धीरे मिला लेना है। ये देखिए बिल्कुल धीरे धीरे मिला लेना है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कढ़ाई में ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आप इसे अलग से डालकर दूसरे बर्तन में मिक्स कर सकते हो। और अभी आप देख सकते हो दोस्तों कि हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके लड्डू बना लेने हैं। लड्डू यहाँ हमने ना बड़े बनाए ना छोटे छोटे, मीडियम साइज़ के बनाए हैं। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि लड्डू नहीं बन रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर दीजिए तो आपके लड्डू आसानी से बन जाएंगे। तो यहाँ हमने पहला लड्डू तो बना लिया है, तो सेम तरीके से हम आपको दूसरा लड्डू भी बनाकर दिखाती हूँ। सेम तरीके से हम सभी लड्डू तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमने सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये हमारा लास्ट का लड्डू है जो अब हम बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, लड्डू हमारे एकदम परफेक्ट और टेस्टी बने हैं। तो सर्दियाँ शुरू हो रही है तो इसे बनाना तो बनता ही है, क्योंकि सर्दियों में होने वाले कमर दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप एक बार बना के रख लीजिए और एक महीने के लिए इसको स्टोर करके रख लीजिए। और दोस्तों, आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहूँगी, ये उन बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा गुणकारी है जो हेल्थ से कमज़ोर हैं, और उन छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा गुणकारी है जो अभी चलना स्टार्ट किया है। उनको दिन में 2 से 3 बार खिलाइए, देखना रिजल्ट आप खुद देखेंगे। तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है दोस्तों, तो मैंने यहाँ बना लिए हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसे लगी आज की ये उड़द दाल और ड्राई फ्रूट मिक्स गोंद की लड्डू की रेसिपी।